बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रेसिडेंट हैं और यूनाइटेड ग्रुप से उनका ताल्लुक है, जिनको इस रियल स्टेट में अराउंड को 20 साल हो गए हैं काम करते हुए, और इस वक्त वो करंट सेक्रेटरी हैं लेकिन कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के लिए। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये मैं जानना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट टर्म में आपने ये पार्टी बना ली और बहुत कम समय आपको लगा इसके लिए, बहुत तैयारी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपके ओपोनेंट जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पहले के बैठे हुए हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका और आपके चैनल का कि आपने हमें मदु किया। शुक्रिया। उसके बाद ये एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिनको लीडरशिप की क्वालिटी से नवाजा होता है वो हमेशा मुश्किल फ़ैसले करते हैं, और हमारा भी एक मुश्किल फ़ैसला है, बट हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उस फैसले को अगर देखा जाए तो अल्लाह का शुक्र है कि हम अभी तक कामयाबियां समेट रहे हैं। बहुत मुख्तसर वक्त में हमने फैसला किया, ग्रुप बनाया, आज पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतरीन टीम हमने कम्युनिटी के सामने रखी है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी है और ये अल्लाह ताला के फजल व करम से मुमकिन है। बाकी हमारा कारवां चल रहा है, इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। आमीन इंशाल्लाह। अच्छा सेकंडली सर, आपने अलग पार्टी बना ली, अभी आप जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त करंट, तो ये पार्टी बनाने की कोई ख़ास वजह? कोई देखें, इब्तदा तो होती है कहीं ना कहीं से, और कहीं मसाइल तो होते हैं जब आप अपनी पार्टी बनाते हैं, अपना मैनिफेस्टो लेकर चलते हैं। इब्तदा में रियल्टर के सारे दोस्त हम लोग अलखिदमत से निकले, तो हमारा एक मैनिफेस्टो था, हमारा एक मंशूर था, हमारी एक सोच थी, हमारा एक विज़न था कि हम ये काम करेंगे जो कि अलखिदमत में होते नज़र नहीं आ रहे थे। हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया, पैशनेट होकर काम किया, कैंपेन चलाई, इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन विन किया। पांच मेंबर हमारे जीते, चार अलखिदमत के जीते, लेकिन मेन सीट्स हमारे पास रहीं। अल्लाह का शुक्र है, काम भी किया और जो मैंने काम किया है वो भी कम्युनिटी के सामने है। लेकिन देखें, जो मंशूर हम लेकर निकले थे, जो हमारा ख्वाब था कि इस कम्युनिटी को एक ग्रुप की शक्ल में बनाना, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, उसको यूनाइट करना, यूनिटी में लेकर आना, जब आप ये काम करते हैं तभी हमारा मकसद पूरा होना था। बदकिस्मती से इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि ज़ाती मफादात, ज़ाती झगड़ों, अनाद, फसाद और साजिशों में ये वक्त गुज़र गया और हमने ये तीन साल इसी तरह गंवा दिए। जब मैंने ये देखा कि अब यहाँ पर जो हमारा ख्वाब है वो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इसको कुछ मुफाद परस्त लोगों ने हाईजैक कर लिया है इस ग्रुप को, तो फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं अब उस ग्रुप का, रियल्टर ग्रुप का हिस्सा नहीं रहूँगा, बल्कि मैं अपना एक ग्रुप तश्कील दूँगा और उस ग्रुप को साथ लेकर चलूँगा। ये ग्रुप सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं है। अच्छा सर, ये मुझे बताएगा, क्या ये आपने फैसला लेट नहीं किया? तीन साल आपने क्यों वेट किया? ये बिल्कुल नेक्स्ट इलेक्शन होने लगे और आपने फैसला किया? जी ऐसे ही है। देखें, तीन साल मैं अपनी जो मुझे कम्युनिटी ने जिम्मेदारी सौंपी थी मैं उसमें लगा रहा, मैंने अपने काम किए, मैंने पॉलिटिक्स की तरफ उस तरह तवज्जो नहीं दी, मैंने इन मसाइल को हमेशा इग्नोर किया और मैं अपनी आवाज़ उठाता रहा कि ये मसाइल हैं हमारे, इनकी तरफ अगर हम तवज्जो नहीं देते तो फिर इस ग्रुप के बनाने का फ़ायदा नहीं। लेकिन बात फिर वही है, जब आपके अपने मुफादात होते हैं तो आप उन चीज़ों को जो मेन कॉज है उसको जब इग्नोर करते हैं तो एक वक्त आता है कि फिर आपको आवाज़ बुलंद करना पड़ती है। दरमियान में भी सेकंड एजीएम के बाद तकरीबन नवंबर दिसंबर में मैंने इन्हीं इश्यूज़ को देखते हुए रिज़ाइन कर दिया था और अपने इश्यूज़ को उठाया था। अच्छा, अपनी आवाज़ बुलंद की थी, लेकिन उस वक़्त तमाम दोस्तों ने माजरत की, माफ़ी मांगी और ये अहद किया कि आइंदा हम बिल्कुल इस कम्युनिटी के लिए इंशाल्लाह ताला इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। लेकिन वक्त गुजरता गया और जो अहद किया गया था उसकी पासदारी नहीं की गई, लिहाजा फिर मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। बिल्कुल सही। अच्छा, एज अ जनरल सेक्रेटरी आपने जो काम किए हैं तीन साल में,
क्या आप हमें बता सकते हैं उसमें से कोई दो तीन काम ऐसे? अल्हम्दुलिल्लाह एक हिस्ट्री है, एक उसका एक तसलसल है, पूरी कम्युनिटी को पता है, डे वन से लेकर हम अल्हम्दुलिल्लाह चलते आ रहे हैं और मेरा फोकस ही काम पर था। हमने बहुत सारे काम किए, जिस तरह मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि मैंने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आसान और सहल बनाना है और अपनी डीलर कम्युनिटी को उस प्रोसेस में हमेशा उसकी रहनुमाई करनी है। सॉरी, नंबर टू हमारा ये मिशन था कि हम ब्लैक लिस्टेड दोस्तों के ऊपर भी काम करेंगे क्योंकि उनको काफ़ी सज़ा मिल चुकी है, तो अब मजीद उनको सज़ा से बचाया जाए और उनके लिए भी, चूँकि वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, उनमें से कुछ दोस्तों ने अपनी इसलाह कर ली, तो हमारा मिशन ये है कि जिन दोस्तों ने अपनी इसलाह कर ली है उनको दोबारा DHA में कारोबार का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल तीसरा मिशन ये कि आइंदा हमारी कोशिश ये होगी कि हम कभी भी किसी डीलर को ब्लैक लिस्ट नहीं होने देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 साल दौर में मैंने एक भी डीलर को ब्लैक लिस्ट नहीं होने दिया, माशाल्लाह। इसी तरह हमने आर्बिट्रेशन कमेटी पर मैंने बड़ा फोकस किया, उनकी रहनुमाई की, उनको लीगल इशू समझाए, लीगल फ्रेमवर्क बताया, फिर मैंने फ्लोर वाइज ट्रांसफ़र के ऊपर बड़ा काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा काम है जो पिछली तमाम एसोसिएशंस अपने दौर में करने की कोशिश करती रही लेकिन नाकाम रहीं और ये कामयाबी भी मेरे हिस्से में आई। फिर मैंने उसके बाद एग्जेक्टिव ट्रांसफ़र का आइडिया दिया DHA को। इसी तरह हमने आउट स्टेशन ट्रांसफ़र को ओपन करवाया, ये भी मेरा एक विजन था। ये जो आपने सारी चीज़ें गिनवाई हैं, ये देखें एज अ प्रेजिडेंट, इस वक्त जो आपके प्रेजिडेंट हैं उनके अंडर आपने ये सारा काम किया, तो इसका क्रेडिट प्रेसिडेंट को नहीं जाता? मैन ऑफ द मैच आप ये समझते हैं मैन ऑफ द मैच वो खुद कहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें मैं समझता हूँ क्रेडिट कौन देता है, क्रेडिट कम्युनिटी आपको जी बिल्कुल है। जिसने बिल्कुल। मेरे कहने से मुझे क्रेडिट नहीं मिल सकता, प्रेसिडेंट के कहने से प्रेसिडेंट को क्रेडिट नहीं मिल सकता, ये कम्युनिटी ने फैसला करना है कि क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, कम्युनिटी ने किसको काम करते हुए देखा। कम्युनिटी ने अगर भट्टी साहब को काम करते देखा है तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा, अगर मुझे काम करते देखा है तो मुझे क्रेडिट मिलेगा। चूँकि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ अल्लाह का शुक्र है, तो मैंने अपनी चीज़ों को पैशनेट होकर इन मसाइल का हल निकाला और मैंने दिन रात काम किया और मेरे पास पूरी एविडेंस मौजूद है। अगर किसी और के पास कोई क्रेडिट लेना चाहता है तो वो अपनी एविडेंस सामने रखे, मैं भी अपनी एविडेंस सामने रखूँगा, फैसला कम्युनिटी पर छोड़ देते हैं। अच्छा, कौन से ऐसे मसाइल रह गए हैं जो कि प्रेसिडेंट बन के आप जो है ना वो हल करेंगे? देखें मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते, मसाइल का अंबार हमेशा चलता रहता है, एक मसला हल हो जाता है एक नया आ जाता है, एक हल हो जाता है एक नया आ जाता है, तो ये मसाइल हमेशा चलते रहते हैं और नए मसाइल भी बड़े, अभी फैक्टर के इशू को अगर हम देखें तो वो मुकम्मल तौर पर अभी समअप नहीं हुआ, रिजॉल्व नहीं हुआ, टैक्सेस के मामला हमेशा चलते रहते हैं, PRA के अभी इश्यूज़ आपने देखा होगा कि नोटिस आते रहते हैं, कभी कैंट बोर्ड से नोटिस आ जाता है, कभी पंजाब गवर्नमेंट से आ जाता है, कभी टैक्सेशन के इश्यूज़ आते हैं, कभी लीगल इश्यूज़ आते हैं, कभी आपके सामने रेट्स FBR के जो वैल्यूएशन टेबल्स हैं, नई नई अमेंडमेंट्स, नई नई असलाहत आती हैं जिनको एडजस्ट करना, अपनी कम्युनिटी को इन्फॉर्म करना, उनके लिए अगर वो हमारे लिए जहर कातल है तो उनके लिए फ़ाइट करना, स्ट्रगल करना, बहुत सारे काम हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हैं DHA में भी और DHA से बाहर भी, वफाकी सतह पर भी और सूबाई सतह पर। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैंने काफ़ी ग्राउंड के ऊपर काम किया, मुख्तलिफ प्रेसिडेंट के भी मैंने इंटरव्यूज किए, जनरल सेक्रेटरीज के भी इंटरव्यू, मुझे ऐसा लगता है कि और बहुत से मैं इस कम्युनिटी के लोगों को जानता हूँ वो डिवाइड हैं इस वक्त, वो कहते हैं शायद साहब बहुत अच्छे हैं प्रेसिडेंट के लिए, इनको प्रेसिडेंट का वोट दे दें, जनरल सेक्रेटरी आपके यया साहब हैं अच्छे आदमी हैं इनको वोट दे दें, दो तीन और फेवरेटिज्म, वो पूरी पार्टी को नहीं जितवाना चाह रहे। अभी भी आपके साथ ये मसला है जो इस वक्त करंट आप सेक्रेटरी हैं और आधे आपकी पार्टी है और आधा वो काम, प्रॉब्लम्स आती हैं ना यहाँ पर, पर्सनैलिटीज़ को देखा जाता है, पर्सनैलिटीज़ को एनालाइज किया जाता है। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे पूरे पैनल को वोट दें, अगर आप समझते हैं कि आपका ये भाई आपकी खिदमत करने की सलाहियत रखता है
वक्त देता है आपके लिए, पहले भी जंग जारी रखे हुए हैं और बाद में भी इंशाल्लाह आपके लिए, आपके हकूक के लिए और आपकी बेहतरी और वेलफेयर के लिए, अगर आप समझते हैं कि ये बंदा नाचीज़ कुछ कर सकता है, तो मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है और इल्तमास है कि आप मुझ समेत मेरे पूरे पैनल को वोट दें, पूरे पैनल को कामयाब करवाएं, यूनाइटेड ग्रुप को कामयाब करवाएं। इंशाल्लाह ताला हम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और इंशाल्लाह ताला हम आपको ना उम्मीद नहीं करेंगे, आपके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचेगी इंशाल्लाह। आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपका मैसेज इनको इन तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो सारी जो आपके सवालात हैं वो लेके बैठे हैं, शायद साहब से फिर किसी दिन टाइम लेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका।